सुप्रभात मित्रों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वाणी का महत्व। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है? इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज के लिए दरबारियों ने अलग अलग नाम दिए। लीची, चीनी, आम। इसी तरह कड़वी चीजों के भी नाम आए, नीम, करेला, मिर्च। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। शीघ्र का मतलब जल्दी। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी पहने एक अजीब सा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घग्गरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नीलांबर जी का राज कवि। आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहे आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। राज दरबार में कौन आया? राज दरबार में घग्गरनाथ आया। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से कांपने लगे। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी। हम तुझे कारागार में, कारागार का मतलब जेल। पर वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही घग्गरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। सब चौंक उठे। सामने तेनालीराम खड़ा था। तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान है। अरे, तुम तो तेनालीराम हो, हा हा हा। महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। घग्गरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घग्गरनाथ के चोले में से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस दिए। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज मीठी बात है। तेनालीराम से सभी सहमत थे। राजा
कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार राज पहना दिया। अब सभी तेनालीराम की बुद्धिमता की तारीफ कर रहे थे। शिक्षा सबसे मीठी चीज मीठी बात है और सबसे कड़वी चीज कड़वी बात। धन्यवाद।